अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नवीद रज़ा। आज का हमारा जो ब्लॉग है ना, वो ऑयल चेंज है। अच्छा, हम ऑयल चेंज कर रहे हैं अपनी गाड़ी का खुद ही, और ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि आपको भी कौन सा यूज़ करना चाहिए। मैं तो जो यूज़ कर रहा हूँ ना, तो ऑयल वो है एशियन का, मेड इन कोरिया। अच्छा, हमारा जो साहिल भाई ने, ये देखो, 1 लीटर वेस्ट कर दिया। खैर, कोई बात नहीं, होता रहता है। नया बंदा है, नया बंदा थोड़ा सा तो फिर काम में फ़र्क आ जाता है, कोई बात नहीं, खैर है। अच्छा, गाड़ी भी हमारी बहुत गंदी होगी, बारिश हो रही ना ज़्यादा। खैर, वो हमें टाइम नहीं मिला सर्विस का। अच्छा, जो मेन बात पे आते हैं, मेन टॉपिक जो हमारा क्या है, ऑयल का है। मैंने टोटल बहुत से यूज़ किए हैं, सारे किए हैं, ए टू जेड। कार्लटेक्स का है, PSO का है, शेल का है, जितने भी मतलब ऑयल ना, सब चेंज किए हैं। लेकिन है एक नंबर, लेकिन 90% ना, 2 नंबर ही ज़्यादा है। जो 10% लोग हैं ना, वो मिलते नहीं है आपको यार, किन के पास है ये ना, 2 नंबर ही ज़्यादा है। अभी ये मार्केट में नया लॉन्च हुआ, तकरीबन 3 साल हो गए इसको। ये है मेड इन कोरिया, इसका नाम है एशियन, और ये कोरिया का है, और ये अच्छा ऑयल है। अभी तक तो ये ठीक है, आगे का कुछ कह नहीं सकते, और बिल्कुल एक नंबर है। और ये जो बाल्टी है, 18 लीटर की है। हमारी गाड़ी में जो इंजन है ना, वो हीनो का HO 70 मॉडल है, और ये 70 का इंजन, इसमें 14 लीटर ऑयल आता है, और बाकी जो 4 लीटर जो बचता है, हम अपनी गाड़ी में रख लेंगे, बाकी जो उनसा हम दोबारा यूज़ करेंगे इसको, और इस्तेमाल के लिए हमारे काम आ जाता है। और जो इसका जो मॉडल है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मॉडल है इसका 2050 है, एशियन, मेड इन कोरिया। बहुत अच्छा ऑयल है, आप यूज़ करें, क्योंकि आप अगर इसको आवर भी चलाते हैं ना, आवर चलाते हैं, मन के एक आध चक्कर ज़्यादा भी लगा लेते हैं, प्रॉब्लम नहीं है इसमें ना, तो ये स्मेल देगा इंजन, और जब आप चेंज करेंगे ऑयल, आपकी गाड़ी कम भी नहीं करेगी। अमूमन होता है ना, 1-2 लीटर का गाड़ी ना, ऑयल कम हो जाता है। अच्छा जी, ये देखें, ये इसमें आप चेक कर सकते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर तो खैर इसमें है ही नहीं। अगर आप सील पैक लेंगे ना, ये बाल्टी, या इनकी मतलब छोटे पैक भी आते हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप बाल्टी लें। बाल्टी में 18 लीटर होता है, 2050 ये मॉडल है, और बाल्टी जो आपके काम भी आ जाएगी, और बाकी जो उनसे जो 4 लीटर बचेगा, वो अपनी गाड़ी में आप रख लें, दोबारा फिर काम आ जाएगा। और ऑयल बहुत अच्छा है, मैं तो आपको यही कहूँगा, यही चेंज करें। बाकी यार, मार्केट में 2 नंबर ही बहुत ज़्यादा है। ऑयल 1000 रुपये का होता है, लोग 15-15 हज़ार रुपये के 14 लीटर को बेच देते हैं ना। ऑयल पुराना क्यों बिकता है? इसलिए बिकता है ना कि इसमें दोबारा तैयार होकर यह मार्केट में फिर आ जाता है। अल्लाह इनको ना हदायत ही दे, यही कह सकते हैं हम तो।